मेंस एशेज के बारे में तो बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं वुमेन्स एशेज के बारे में, जिसका टेस्ट 2020 कंक्लूड होने के बाद कल पहला ओडीआई हुआ बिटवीन ऑस्ट्रेलियन वुमेन एंड इंग्लैंड वुमेन, जो कि इंग्लैंड वुमेन ने जीत लिया बाय 2 विकेट्स। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 263 रन बनाए, जिसके मुकाबले में इंग्लैंड ने वो टारगेट 48.1 ओवर्स में अचीव कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंसेस की, तो एलिसा हेली का फिर एक और फेलियर दिखना पड़ा, क्योंकि वो इस पूरे टूर्नामेंट में वो इस पूरे टूर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। लिचफील्ड ने थोड़ी अच्छी बैटिंग की, आप एलिस पेरी ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, उनके 2 कैचेस छूटे थे, लेकिन उस तरह से वो कैपिटलाइज नहीं कर पाई। यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए बेथ मूनी को, आई मीन शी हैज़ बीन अनस्टॉपेबल, जैसे मैंने कहा था कि पता नहीं वो क्या खाती हैं, मतलब रन्स किए जा रही हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कभी कभी कर ली, कंसिस्टेंटली वो अपनी टीम को परफॉर्मेंस दे रही है। और जिस तरह उनकी टीम स्ट्रगल कर रही होती है, उनका मिडल ऑर्डर क्लैप्स कर रहे होते हैं, तो वो आके अपनी टीम को एक अच्छा वो टोटल दे के जाती हैं। जेस जॉनसन ने भी अच्छी बैटिंग की, अच्छा कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का टारगेट 263 रन पहुंचा 50 ओवर्स में। अब यहाँ पर हम इंग्लैंड बॉलिंग की बात करें, तो एलिस कैप्सी ने अपनी मैडन विकेट हासिल की, केट क्रॉस ने अच्छी बॉलिंग की, लोरेन बेल ने अच्छी बॉलिंग की, सोफी एक्लिस्टन ने भी अच्छी बॉलिंग की, मतलब इट वाज अ वेरी गुड बॉलिंग एफर्ट। हाँ, फील्डिंग में थोड़ा सा फंबल हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छे कैचेस भी देखने को मिले, जो कि सोफी एक्लिस्टन ने भी किया था, नेट सेवर ने भी किया था। तो ऑल राउंड इंग्लैंड की अच्छी परफॉर्मेंस रही। और अगर हम बात करें इंग्लैंड की बैटिंग की, तो टैमी बेमेंट ने अपनी टीम को एक अच्छा स्टार्ट दिया, शी स्कोर 47 रन्स। उसके बाद हम बात करें हेदर नेट की, तो उन्होंने एक कैप्टन इनिंग्स खेली अपनी टीम के लिए, 76 नॉट आउट रही और मेक श्योर किया कि उनकी टीम जीते। एलिस कैप्सी की बात करें, तो उन्होंने T20 के लास्ट जो गेम था उसमें भी अपनी टीम को जितवाया और सीरीज मेक श्योर किया कि वो उनकी टीम सीरीज जीते हैं। तो उन्होंने ODI में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, एग्रेसिव वे में खेला, और जिस तरह सोफी डंकली की अर्ली विकेट गिर गई थी, तो एलिस कैप्सी ने अच्छा वहाँ पर अपनी टीम को सपोर्ट किया। उसके बाद हेदर नेट को, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, और फिर अगर हम बात करें नेट सेवर की, तो उन्होंने जिस तरह बॉलिंग में भी 2 विकेट्स दी, उन्होंने बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट किया। और यहाँ पर लास्ट में मैं मेंशन करना चाहूंगी केट क्रॉस को, जिन्होंने 19 नॉट आउट की इनिंग्स के लिए, देखो अगर आपने मैच देखो को, तो बीच में कलैप्स हो गया था इंग्लैंड वुमेन का, और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया वुमेन मैच जीत जाए, लेकिन केट क्रॉस ने अपनी कैप्टन का साथ दिया और 19 रन की नॉक खेली, अनबीटन नॉक खेली, स्ट्रोक्स भी खेले और प्रेशर नहीं आने दिया, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को हराया। इसके बाद हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की, तो ऑस्ट्रेलिया रेगुलर 3 मैचेस हारी है, लास्ट 2 T20s की बात करें, इंग्लैंड से वो हारी है, अपना फर्स्ट ODI हारी है, तो ये 2017 के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया की वुमेन टीम पहली बार 3 कंसेक्यूटिव मैचेस हारी हैं। सो आई गेस इट्स स्टिल टेल्स अबाउट कि किस तरह इंग्लैंड ने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया, अपनी प्लेयर्स पे काम किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से टीम को हराना और रेगुलर 3 मैचेस हराना इज़ंट ईजी, क्योंकि वो हमेशा से वुमेंस क्रिकेट को ऑन करती आई हैं, रूल करती आई हैं। तो अब देखने में ये इंटरेस्टिंग है कि एशेज का जो ODI पार्ट है वो कौन क्लिंच करता है। फॉर मोर वुमेंस क्रिकेट अपडेट स्टे ट्यून्ड।